of the SEO local word से, तो ये भी आपका हमें मिल सकता है. अच्छा, अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा कि पैडी स्ट्रोक जो है, जो वेस्ट होता है, उसको बर्न कर देते हैं करके, बराबर उसको जला देते हैं. सर क्या होता है, जिनके पास कोई एनिमल नहीं होता है, जो गाय या भैंस, तो उनको रखने का फायदा नहीं होता. वो क्या करते हैं, खेत में जलाते हैं और उस राख का उपयोग अगले क्रॉप के लिए अच्छा होता है. अच्छा ठीक है, ओके, मैं समझ रहा हूँ. तो ज्यादातर हमने जो देखा है, फार्मर्स को फसल करने के बाद जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस होता है उसका तो पैसा उसको मिलता है बेचने से, लेकिन जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उससे कुछ नहीं मिलता है, वही ना? Yes, मैं समझ रहा हूँ, सही है कि नहीं? अच्छा, पार्टनर बीस मैं ये कह रहा था कि हमारे फार्मर्स को जो फसल करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जो आता है उसको बेच के उनको पैसा मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको लेकर के वो कुछ नहीं कर पाता है, और थोड़ा बहुत अपना खेत में डालता है, और थोड़ा बहुत शायद अगर उनके पास कोई गाय भैंस हो तो उनको दे देते हैं, वही ना? Yes, sir. तो शायद आप बायोफ्यूल के सर्कल के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी जो यहाँ आए हुए लोग हैं उनको बायोफ्यूल सर्कल के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी दे दें ताकि वो उसका फायदा उठाएं. और दूसरा एक बोलिए सर, हेलो, हाँ, दूसरा हमारा जो सह्याद्री का बेल के यहाँ बोलते, जो गौद बोलते ना हम लोग पहाड़ी इलाके में, तो बहुत सारा जो जो वेस्टेज का ग्रास है वो तो सीजन में चलती है, जिसके पास एनिमल है वो काट के लेके आता है, लेकिन बहुत सारे 75% तो जो फायर उड़ जंगल फायर होता है ना उसमें चला जाता है. ओके. तो उस पर थोड़ा सा काम किया तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फार्मर्स को, और उनके लगे के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. ठीक है, तो आज के इस दिन में हम आप मतलब हमारे जो शेतकारी लोग हैं उनको ये जानकारी देना चाहते हैं कि वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं, किस तरह से बेनिफिट हो सकते हैं जो ये एग्रीकल्चर वेस्ट को लेकर के. और ये जो कंपनी है बायोफ्यूअल सर्कल, ये बायोफ्यूअल सर्कल क्या है उसके बारे में संक्षिप्त रूप में मैं आपको बोलूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ में मिस्टर तुषार लोलेकर जो है इस कंपनी के बिजनेस हेड हैं, दो चार शब्द में वो भी थोड़ा सा समझा दें ताकि जो लोग उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगा उनको भी समझ में आएगा. हमारे जो फार्मर्स हैं ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मतलब एक या दो एकड़ से ज्यादा नहीं आता उनके पास, बहुत कम लोगों के पास उससे ज्यादा होता है. तो जिनके पास बहुत कम लैंड है उनके पास एग्रीकल्चरल वेस्ट भी कम ही होगा, इसलिए वो जितने भी उनका एग्रीकल्चरल वेस्ट होगा उसको कहीं और बेचने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो खर्चा होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए वो खर्चा नहीं करता है और उसको कहीं और बेचता नहीं है, और जैसे अभी हमने सुना उसको जलाते हैं या अपने गाय भैंस के लिए दे देते हैं या अपने खेत में डाल देते हैं, ये होता है. वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस एग्रीकल्चरल वेस्ट से लेकर के हमें कुछ फायदा होना हो तो हम क्या कर सकते हैं?
और हमारे देश में ये एग्रीकल्चरल वेस्ट को ब्रिकेट्स बनाते हैं बहुत सारे लोग। ब्रिकेट बनाने वाला एक छोटा सा मशीन होता है और इस मशीन को लेकर के वो बनाते हैं और उस ब्रिकेट को बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जैसे थर्मैक्स है, सीरम इंडस्ट्रीज है। सीरम इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा क्योंकि आज के दिन में वैक्सीन जो है, जो हमने COVID-19 का वैक्सीन आता है वो बनाते हैं पुणे में और सारे दुनिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उस तरह का बड़ा बड़ा जो कंपनी है वो चाहते हैं कि कोयले के बजाय इस ब्रिकेट को यूज करें ताकि जो उसका धुआं आता है वो कम हो और जो एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं आजकल जो कोयले के बदले अपना इस तरह के ब्रिकेट्स को चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है उनको ब्रिकेट्स मिलता नहीं है क्योंकि ब्रिकेट्स उतना कॉमन नहीं है कि लोग बनाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो मैं बताता हूँ, उनको इकट्ठा करने, एग्रीकल्चरल वेस्ट इकट्ठा करने में उनको कठिनाई आता है। कठिनाई क्यों आता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो क्या हम ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो एग्रीकल्चरल वेस्ट मिल जाएगा? और अगर ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको ये एग्रीकल्चर वेस्ट दे देंगे तो उसका जो कॉस्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा फार्मर्स के ऊपर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रामीण जगह पर जो फैसिलिटीज चाहिए वो नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। अब कुछ बहुत सारे लोगों के पास ट्रैक्टर्स होता है लेकिन वो इस तरह के काम में नहीं लगे रहते हैं। तो क्या हम एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो फार्मर मेंबर्स हैं, उनका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट कलेक्ट करके कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई ब्रिकेट मेकिंग यूनिट को दे देंगे तो उनके लिए फायदा होगा और ये फार्मर को भी फायदा होगा क्योंकि उसका कॉस्ट उसको मिल जाएगा। मतलब करीबन 100,000 रुपये से 2,000 रुपये पर एकड़ उसको मिलेगा। तो इस तरह का जब फायदा है तो हम क्यों ना उसके बारे में सोचें। तो ये कंपनी बायोफ्यूल सर्कल जो आया है वो इसी रंग में है ताकि जो ब्रिकेट और एग्रीकल्चरल वेस्ट देने वाला और एग्रीकल्चरल वेस्ट या ब्रिकेट को यूज करने वाला जो कंपनी होगा दोनों को एक प्लेटफॉर्म में ले आने के लिए ये सोच रहा है। खाली इन लोगों को तो नहीं, और ट्रांसपोर्टर्स हैं, अभी ट्रांसपोर्टर्स का भी बहुत रोल है इसमें क्योंकि फार्मर के फार्म से अपना एक जगह पर उसको इकट्ठा करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है और उसके लिए ये अगर ट्रैक्टर हो और अगर कोई ट्रैक्टर जो रखते हैं उसको बताया गया कि आप इसको इकट्ठा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी इस रंग में आके अपना अपने मेंबर्स का जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको इकट्ठा कर सकते हैं विलेज लेवल पर और विलेज से थोड़ा तालुक लेवल पर और उसको अपना एक ब्रिकेट मेकिंग यूनिट को दे सकते हैं। तो इस तरह का काम ये बायोफ्यूल सर्कल करता है और उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करना जरूरी है और रजिस्टर करने से जिसके पास एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो बाकी लोगों को भी पता चलेगा जो उसको यूज करना चाहते हैं
चाहे वो कंपनी हो या कोई ब्रिकेट मेकिंग यूनिट हो, तो इस तरह का एक फैसिलिटी है ये प्लेटफॉर्म में। अब ये स्टेज पे मैं तुषार जी को बोलूंगा कि आपको जितना भी चीजें मैंने आपको कहा है, मैंने अपने हिंदी में कहा तो शायद उसमें बहुत सारी गलतियां हैं होंगे, तो मैं तुषार जी को 5-10 मिनट में इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी देने के लिए बताता। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सो आई वुड वांट विशाल टू स्टेप इन सिंस यू वांट इन मराठी, ही कैन एक्सप्लेन बेटर। आई विल बी विद हिम। सो विशाल। यस सर। सो आपल्या प्लॅटफॉर्म बद्दल आणि बेसिकली बिझनेस म्हणजे आपण जो एफपीओचा जो बिझनेस आहे त्याला आपण कसं सपोर्ट करायचा प्रयत्न करतोय आणि काय करायचा प्रयत्न करतोय, इट विल बी गुड इफ यू कॅन एक्सप्लेन। सो मित्रांनो, बेसिकली आमचे एक्झिक्युटिव्ह तुम्हाला येऊन भेटले असतील, त्यांनी बायोफ्युएल सर्कल बद्दल तुम्हाला माहिती पण दिली असेल। सो आपला हा जो प्लॅटफॉर्म आहे हा एक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आहे, याच्यावर फक्त जे काही रॉ बायोमास आणि ऍग्रो वेस्ट आहे सो ह्याचं ट्रेडिंग आपल्या प्लॅटफॉर्मवर होतं। जसं की आता अशोक सरांनी सांगितलं की ह्याला डिमांड भरपूर आहे, खूप सारे ब्रिकेट मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत त्या तुमच्या आसपासच्या एरियामध्ये, पण त्यांना ऍग्रो वेस्ट जे आहे जे रॉ बायोमास मिळतं ते त्याची अवेलेबिलिटी खूप कमी आहे त्यांच्याकडे, किंवा त्यांना वेळेवर ते मिळत नाहीत। सो आत्ता ह्याच्यामध्ये एफपीओचा फायदा असा आहे की ह्याच्यामध्ये तीन गोष्टींसाठी एफपीओ काम करू शकतं। एक तर आहे की तुमचे जे काही एफपीओ मध्ये रजिस्टर्ड शेतकरी आहेत त्यांच्याकडनं माल गोळा करणं आणि तो तुम्ही प्लॅटफॉर्मवर विकू शकता, त्याला आपण ऍग्रिगेशन म्हणतो। दुसरा ऑप्शन असा आहे की एफपीओ कडे जर जागा असेल तर तुम्ही सीझनला हा सगळा जो काही कचरा गोळा होतो हा पूर्णपणे तुमच्याकडे जमा करून ऑफ सीझन मध्ये तुम्ही तो विकू शकता, म्हणजे एक स्टोरेज फॅसिलिटी म्हणून तुम्ही काम करू शकता। तिसरा ऑप्शन जो आहे, तुम्ही जर तुमच्याकडे ऍग्रोवेस्ट भरपूर प्रमाणात तुम्हाला मिळत असेल तर तुम्ही तुमचं स्वतःचं एक छोटंसं ब्रिकेटिंगचं युनिट पण टाकू शकता। सो यामध्ये कसं आहे की हा जो जे काही आपण शेतात काढणी झाल्यानंतर जो काही कचरा उरतो, तर आपलं जे काही पीक आहे त्याचे पैसे तर आपल्याला मिळतातच, पण या कचऱ्यापासूनही तुम्हाला साधारणतः 1-2 हजार रुपये पर मेट्रिक टन, मगाशी जसं अशोक सरांनी सांगितलं पर टन तुम्हाला 1-2 हजार रुपये याच्यापासून फायदा होतो। म्हणजे सरासरी जर कॅल्क्युलेट केलं तुम्ही वर्षामध्ये एका एकरामध्ये तुम्हाला कमीत कमी 6-8 हजार रुपये उत्पन्न जास्त मिळतं, म्हणजे तुम्हाला तुमचं जे काही प्रोड्यूस आहे तुम्ही जे काही शेतात पिकवता त्याच्यापासून तर उत्पन्न तुम्हाला मिळतंच, पण त्यातल्या त्यात हा जो काही कचरा आहे हा नॉर्मली आपण बघितलं तर 60-70% लोक हा कचरा पेटून देतात, ज्यांच्याकडे जनावरं आहेत गाई गुरं आहेत ते चाऱ्यासाठी वगैरे वापरतात जो भुसा वगैरे आहे, पण ज्यांच्याकडे नाहीच आहे ते एकतर पेटून देतात किंवा मग व्यापाऱ्यांना विकतात, पण मग त्याचाही फायदा तुम्हाला होऊ शकतो। हे शेतकऱ्यांना आपण आता पर्यंत जे काही आमचे एक्झिक्युटिव्ह तुमच्याकडे येत आहेत हे माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवत आहेत, तो याचा फायदा जास्तीत जास्त फायदा एफपीओ आणि शेतकऱ्यांनी घ्यावा हीच आमची इच्छा आहे, म्हणून आपण हा प्लॅटफॉर्म जो आहे हा डिझाईन केलेला आहे आणि याच्यात ह्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत सगळ्या। सो जे विशालनी आता सांगितलं मी फक्त त्यालाच थोडस म्हणजे एका स्लाइड मध्ये दाखवायचा प्रयत्न करत होतो। सो एक स्टेप मागे म्हणजे जे विशाल म्हणला आता त्याच्यापेक्षा एक स्टेप मागे जर आपण बघितलं की जर एवढ्या अपॉर्च्युनिटीज आहे तर आज कोणी करत का नाही, दॅट इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू शो। आणि जे आमच्या लक्षात येत आहे जे आम्ही बघतोय फील्डमध्ये आता मागल्या एक वर्षापासून आम्ही ऑपरेट करतोय ते हे आहे की फार्मर्सला बऱ्याचशा फार्मर्सला माहिती आहे की आपण हा कचरा जाळला नाही पाहिजे आणि बऱ्याचसा सर बेअर विथ मी फॉर 5 मिनिट्स आय विल कम बॅक टू इंग्लिश ऑल्सो। सो बऱ्याचशा फार्मर्सला हे माहिती आहे की हा कचरा जाळला नाही पाहिजे आणि हा कचरा जाळून एकतर प्रदूषण होतं आणि दुसरं त्याच्यातनं काहीतरी इन्कम होऊ शकते पण ती होत नाही। पण एका शेतकऱ्याकडे आजच्या तारखेत एक पीक काढल्यानंतर साधारणपणे 1 महिना उरतो आणि त्या 1 महिन्यात त्याला ते शेत क्लिअर करायचं असतं, त्याचं स्वतःचं जे पीक आलेलं आहे ते विकायचं असतं आणि
नेक्स्ट पेरणी सुरू करायची असते. सो वेळ कमी असतो. या वेळेत तो आपलं पीक विकायला जाईल का हा कचरा कुठे विकायचा ते शोधायला जाईल. बरं, दुसरं समजा त्यांनी त्याला कोणी सापडलं जरी की कोणाला विकायचं आहे, तर तो त्याच्यासाठी ट्रान्सपोर्ट अरेंज करावं लागतं, त्याला काय किंमत मिळते ते त्याला नीट माहिती नसतं. सो सिन्स या सगळ्या वस्तू आहेत, सो बरेचसे शेतकरी काय करतात की यु नो या प्रयत्नात पडतच नाहीत. आणि याला आम्ही म्हणतोय याला प्रॉब्लेम आहे ऍक्सेसचा आणि रीचचा. कारण तुम्हाला ऍक्सेस पाहिजे, तुम्हाला माहीत पाहिजे की मी इथे काम करू शकतो, आणि तुम्हाला तिथे त्या जो कोणी तुमच्याकडनं विकत घेतोय त्याला तुम्ही पोहोचू शकले पाहिजे. सो आम्ही त्याला एका प्लॅटफॉर्मच्या थ्रू एनेबल करायचा प्रयत्न करतोय की आणि FPO एस्पेशली याच्यात इम्पॉर्टंट आहे. कारण एक फार्मर जो आहे तो मे बी 2 टन जास्तीत जास्त कचरा त्याच्याकडे असेल, तो 1.5-2 टन कचरा कुठेतरी विकत जाणं त्याला कठीण पडतं. पण समजा तुमच्याकडे FPO मध्ये 200-300 मेंबर असले, 500 मेंबर असले, देन यू हॅव सबस्टॅन्शियल वेस्ट अवेलेबल विथ यू. दॅट्स द पॉइंट. सिग्निफिकंट वेस्ट आहे. सो ही तुमची एक पॉवर होते. कारण तुम्हाला तुम्ही मग नेगोशिएट करू शकता. तुम्ही म्हणू शकता की ठीक आहे, माझ्याकडे 400 टन कचरा आहे, माझ्याकडे 200 टन कचरा आहे, माझ्याकडे 500 टन आहे. देन दॅट गिव्ज यू अ लिव्हरेज आणि तुम्हाला तो लॉंग टर्म बिझनेस मिळू शकतो. आणि तुम्ही FPO आहात, तुमच्या फार्मर्सला बेनिफिट होणार आहेत. सो तुम्ही ते फार्मर्सला सुद्धा पे करू शकता, किंवा FPOनी प्रॉफिट केलं तर तो फार्मर्सला ऍज अ डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्यूट होतं. सो आम्ही म्हणून हा प्रयत्न करतोय की FPOs जास्तीत जास्त जर गोळा झाले आणि FPOs याच्यावर आले तर आजच्या तारखेत खूप इंडस्ट्रीज बघतात. मी मोठमोठ्यांना कंपनीजला भेटायला जातो आणि त्यांचा पहिला प्रश्न असतो की मला राऊंड द इयर सप्लाय कसा मिळेल, मला सफिशियंट क्वांटिटी कशी मिळेल. सो देर इज अ डिमांड आणि ती डिमांड आपण पूर्ण करायला जर करायची असली तर जास्तीत जास्त FPOने बरोबर येण्याची गरज आहे. आणि कचरा जाळ्याच्या आधी एकदा विचारा, एकदा विचार करा आणि एकदा विचारा की आपण मी याच्यातनं काय करू शकतो. सो दॅट इज व्हॉट वी आर ट्राईंग टू सॉल्व्ह. सो टू रिपीट फॉर युअर बेनिफिट सर इन इंग्लिश व्हेरी क्विकली इज दॅट इट इज नॉट दॅट द फार्मर्स आर नॉट अवेअर ऑफ यु नो द फॅक्ट दॅट यु नो देर इज इकॉनॉमिक व्हॅल्यू विच दे आर बर्निंग ऑफ अँड दे आर क्रिएटिंग पॉल्युशन. हाउएव्हर दे डोंट हॅव द अपॉर्च्युनिटी अँड इवन इफ दे हॅव यु नो द ऍक्सेस अँड रीच इज व्हेरी डिफिकल्ट. The access and reach, so it's very easy for somebody to say ki shetkaryanni peton dil, but the farmers have burnt it off. But one has to take a look as to why he is burning off, and that's because he doesn't have access and reach. And that's where we believe that the FPOs can play an important role, because it's a collective of farmers. So you know, it gives you the strength of volume. Since you have say 200 farmers, 300 farmers coming together, you can tomorrow come on the platform and say, I am selling 200 tons of agricultural waste. Or you even can create a storage and say, okay, I'm storing it right now. I don't want to sell it. I'm storing it right now, but we will sell it when the monsoons are there, when the prices go up, because that's when the raw material runs out. And these are some of the opportunities which we want to bring to the fore, and we want to showcase to the FPOs, which is what Ashok sir is doing. So that you know you can benefit from this. धन्यवाद कहना पड़ेगा उनको कि वो भी वो पॉइंट उन्होंने डाला है. अभी उसमें एक चीज था रिगार्डिंग वेयर हाउसिंग, मतलब जो इकट्ठा करते हैं FPC तो उसको कहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर ओपन में रखेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी आग उस पर आग भी लग जाए. तो इसीलिए उसको ठीक तरह से वेयर हाउसिंग करना बहुत जरूरी है. अब कहाँ वेयर हाउसिंग करें, तो हो सकता है कि कोई ना कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई अपना एक शेतकारी का जगह हो, वेयरहाउस हो, जिसमें ज्यादा वो यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे जगह पर उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है कि ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको वहां पर स्टोर करें. मतलब वो FPC उसको लीज में लेकर के उसपे स्टोर करे, क्योंकि नया एक वेयरहाउस बनाना उतना आसान नहीं है. तो जो एग्जिस्टिंग वेयर हाउस होंगे उसको हमें कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए. अच्छा, दूसरी चीज था जो मैंने कहा था आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो विलेज लेवल में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज्यादा नहीं रहेगा, तो ऐसे हालत में हम जिनके पास ट्रैक्टर है तो उन ट्रैक्टर्स को इसमें हायर में लेकर के
ये इकट्ठा करने में काम में आएगा और लोगों को भी इसका बहुत फायदा भी होगा। मतलब जो फार्मर है जो ट्रैक्टर ओन करता है उसको भी फायदा होगा क्योंकि वो उसको किराया मिलता है, और जो एफपीसी है उनको भी बहुत फायदा होगा क्योंकि उसी विलेज में उनको ट्रांसपोर्टेशन मिल गया। तो ये जो है ये एफपीसी थोड़ा सा बहुत देखना चाहिए कि किसके पास ट्रैक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख के ऐसे लोगों को इसमें इस रंग में ले आना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एफपीसी को अगर ये एग्रीकल्चरल वेस्ट ले लेंगे तो क्या उसको तुरंत पैसा देना पड़ेगा या ब्रिकेट मैन्युफैक्चरर को बेचने के बाद में देना पड़ेगा? वो एफपीसी एक डिसीजन लेना पड़ेगा अपने फार्मर्स के साथ मिलके कि वो कब उसकी पैसा दे देंगे। मान लीजिए तुरंत पैसा देने के लिए अगर चाहिए तो उनके लिए एक लोन फैसिलिटी देना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल लोन, एक वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ेगा जिसके लिए मैंने बायोफ्यूल सर्कल को बहुत सारे कुछ बड़े बड़े जो लोन कंपनीज हैं जैसे नैप किसान, आप लोगों ने नैप किसान के बारे में सुना होगा जो नबार्ड का एक संस्था है जो एफपीओ को लोन देते हैं, उसके अलावा समुन्नति करके चेन्नई में एक बड़ा संस्था है जो एफपीओ को लोन देते हैं और करीबन 500 एफपीओ को उन्होंने लोन दिया है। और उसके बाद अहमदाबाद में दो बड़े बड़े एफपीओ संस्था हैं, एक का नाम है FWWB और दूसरे का नाम है अनन्या फाइनेंस। इन दोनों को जैसे मैं नबार्ड की तरफ से जानता था तो इसीलिए मैंने प्रयत्न किया कि बायोफ्यूल सर्कल का जो काम है उनको भी जानकारी दे दें ताकि उनको पता चले कि ऐसा भी एक अपॉर्चुनिटी आएगा, एफपीओ हमारे पास आएंगे लोन के लिए वगैरह। तो ये खाली मैं वर्किंग कैपिटल के बारे में कहा। अब मान लीजिए कोई एफपीसी है जो जिसके पास बैम्बू लीव्स कटिंग्स ऑफ ट्रीज और बैम्बू लीव्स बहुत सारी चीजें इसमें आ सकते हैं जो बायोमास बोलते हैं। तो बायोमास का मतलब है एक जनरल टर्म है जो जिसमें ये सारी चीजें आता है इंक्लूडिंग शुगर केन का जो बगास आता है वो भी बायोमास है। अब शुगर केन का बगास को यूज करने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं इसीलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन बाकी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये मैं जानता हूं कि पंजाब में ये जो ट्री का जो पीसेस होते हैं वो यूज करके सीधा एफपीओ फार्मर्स जो है उसको कलेक्ट करके अपना एफपीसी को देते हैं और एफपीसी कोई कंपनी को दे देते हैं सीधा। और इसमें काम में आने वाला एक संस्था है अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन। आप लोगों ने अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के बारे में सुना होगा, सीमेंट जो यूज करते हैं, और उस सीमेंट फैक्ट्री में इस तरह का ब्रिकेट और इस तरह का बायोमास को सीधा यूज करते हैं, ब्रिकेट बनाने की बजाय सीधा भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि कोई एफपीसी या तो जितना भी बायोमास को इकट्ठा किया उसको सीधा एक बायोमास मेकिंग यूनिट को दे सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं, या कोई कंपनी अगर उसको सीधा लेने के लिए तैयार है तो वो भी दे सकते हैं। तो जैसे भी हो इस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करते समय अगर वो ये बोलेंगे कि हमारे पास इतना ब्रिकेट हो या इतना बायोमास हो तो उसके अनुसार जो खरीदने वाला हो कंपनी हो वो भी उसमें रजिस्टर करके आपसे कांटेक्ट करेगी। और अगर कोई एफपीसी ये सोचता है कि मैं क्यों एक दूसरे को बेचता हूं, मैं खुद उसको ब्रिकेट बना के क्यों ना करूं, अब ये तो बहुत बढ़िया होगा। और इस तरह का एक यूनिट लगाने के लिए करीबन
25 से लेकर के 30 लाख का खर्चा होता है। तो इस खर्चा एक टर्म लोन के रूप में बैंक लोन देने के लिए तैयार है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं ये सारी चीजें, ताकि अगर कोई एफपीसी इसके बारे में सोच रहा है तो वो भी उनके मन में समझ में आए। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत तुषार जी, इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच आई हैव मिस्ड आउट, आई थिंक यू वुड लाइक, आईड लाइक यू टू ऐड ऑन प्लीज। थैंक यू सर, आई थिंक वेरी वेल कवर्ड। आपने काफी महत्वपूर्ण और यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है। I have my colleague here. I am just seeing DP Mishra is also here. So DP Mishra heads our Gujarat operations. He's the head of business for Gujarat. And he also has extensive knowledge and information in this field. So DP, there are some questions which I'm seeing here about, what commodities can be used. So can you just give a list of general commodities which are today easily usable for briquettes and pellets? Just some of the lists if you can run past. Agriculture commodity, अगर हमें देखें जो best usage हो रहा है briquettes और pellets में, groundnut अपनी मूंगफली के छिलके हो गए, cumin है, जीरा की जो husk है, threshing होने के बाद उसकी plant residue है वो use होते हैं, castor seed coat use होता है, उसका भी जो hull है, कैस्टर की डीओसी है, कैस्टर डीओसी एनिमल नहीं खाते हैं, कॉटन स्टॉक है, सोया हस्क है, सोया प्लांट का जो बॉडी है वो भी यूज होता है, मस्टर्ड का यूज होता है। तो एग्रीकल्चर की रेसिडियो में जो एनिमल्स नहीं खाते हैं नॉर्मली, वो सारे चीज हम इसमें ले सकते हैं। इवन पेडिस्ट्रॉ भी यूज होता है जिसकी कैलोरिक वैल्यू थोड़े कम रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सारे एग्रीकल्चर रेसिड्यू हम ब्रिकेट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू डीपी। सो जैसे सो द रीजन आई वांटेड डीपी टू स्पीक इज बिकॉज यू नो ही हैज एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड यू नो इट हेल्प्स इफ ही शेयर्स व्हाट कैन बी यूज्ड। मगर जैसे आपने देखा बहुत सारी कमोडिटीज हैं, सो कुल मिला के करीब 29 प्रकार की कमोडिटीज हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है। कुछ कमोडिटीज में थोड़ा सा चैलेंज होता है, जैसे पेडिस्ट्रॉ है, पेडिस्ट्रॉ का प्योर पेडिस्ट्रॉ का ब्रिकेट थोड़ा सा बनना मुश्किल होता है बिकॉज उसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा है, लेकिन पेडिस्ट्रॉ का वैसे भी यूज फॉडर में ज्यादा है। एंड यू नो हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि अगर फॉडर की अपॉर्चुनिटीज भी हम प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो आप अगर बाकी क्रॉप इकट्ठा कर रहे हैं और साथ में पेडिस्ट्रॉ भी इकट्ठा करना चाहते हैं तो पेडिस्ट्रॉ का भी सेल अवेलेबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। क्योंकि आज की तारीख में अभी तक हमने सिर्फ ब्रिकेटिंग की बात की, सो बायोमास जो है, बायोमास तीन प्रकार से यूज होता है, उसका इस्तेमाल होता है, सॉलिड जिसमें ब्रिकेट और पेलेट आते हैं, उसको कन्वर्ट अगर किया जाए तो लिक्विड फॉर्म में जो एनर्जी कन्वर्ट होती है जो 2G इथेनॉल है और बायोडीजल है, और तीसरा कंप्रेस्ड बायोगैस। अब अगर आप सोचते हैं कि ये सब बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, ये कंप्रेस्ड बायोगैस, 2G इथेनॉल, बायोडीजल वगैरह, ये सब अभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम इस वक्त एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट है पूना के पास में, हम हमारा एक एफपीओ इस वक्त उनको पेडिस्ट्रॉ सप्लाई कर रहा है, हमारा एक एफपीओ ने जो एफपीओ हमारे साथ में रजिस्टर्ड है वो अभी उनको सप्लाई कर रहा है। इसके साथ साथ एक बायोडीजल कंपनी ने अभी परचेसिंग शुरू किया है प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ देखें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2G इथेनॉल के 5000 LOI इशू किए हुए हैं। सो 5000 प्लांट शायद कभी नहीं बनेंगे इस देश में, लेकिन उसमें से अगर 500 भी महाराष्ट्र में बन गए तो आप सोचिए इनको सबको जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट लगेगा। सो आज अगर आपको इमीडिएट अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है तो भी आप ये सोचना शुरू कीजिए कि जो आपके खेतों में जो वेस्ट है, इस वेस्ट को आप इकट्ठा कैसे करेंगे, उसको लेबर लगाएंगे या मशीन, कभी कभी मशीन की जरूरत पड़ती है, उसको स्टोर कहाँ करेंगे, थोड़ा सा अगर आप वो प्लान करना शुरू करें, माई पीपल विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद सम ऑफ दिस थॉट प्रोसेस।
अगले 6 से 12 महीने के अंदर, मतलब आई कैन प्रॉमिस यू दैट जो आपका अगला हार्वेस्ट सीजन है, ये हार्वेस्ट सीजन तो अभी शुरू हो गया है, अभी भी रिक्वायरमेंट है. सो अभी भी आप लोगों के पास में जो भी वेस्ट है, आप फार्मर्स को इनकरेज कीजिए कि उसको जलाएं नहीं, हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हम साथ में बैठ के बात कर सकते हैं और सोल्यूशन निकाल सकते हैं. लेकिन अगले हार्वेस्ट सीजन तक तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है. सो ये सेशन हमने आज इसीलिए किया था ताकि हम FPOs को बता सकें कि आपके पास जो वेस्ट निकल रहा है उसको थोड़ा गौर से देखिए, उसके बारे में सोचिए, उसको क्या कर सकते हैं, और डिस्करेज कीजिए फार्मर्स को कि जलाएं नहीं उसको. और अगर आप उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके थोड़ा आपका स्टडी भी कर सकते हैं कि कितना खर्चा आया हमको इकट्ठा करने में, कितनी जगह लगी, कितना वेस्ट इकट्ठा हो सकता है, ये सब चीजें आपको बहुत काम आएंगी. क्योंकि एग्रीकल्चर अभी गवर्नमेंट का एक डायरेक्टिव आया है, गवर्नमेंट ने इस वक्त NTPC को बताया है कि उन्होंने मिनिमम 20% जो है एग्रीकल्चर रेसिड्यू यूज करना है. इस वक्त वो लोग 5% भी जैसे तैसे यूज कर रहे हैं. अब अगर उनको ये बढ़ाना है तो NTPC भी इस वक्त ढूंढ रहा है कि हमको कहाँ पे एग्रीकल्चर वेस्ट मिलेगा, और हम देख रहे हैं कि फार्मर्स खेतों में जला रहे हैं. सो अगर कहीं पे ये गैप हम ब्रिज कर सकते हैं तो वो आपके थ्रू कर सकते हैं. क्योंकि आप FPOs हैं, आपके पास में बहुत सारे फार्मर्स का इकट्ठा मिला जुला एक रूप है, और यहाँ पे अगर आप फार्मर्स को एजुकेट करना शुरू करें, हमारे पास में कुछ वीडियोस वगैरह भी हैं, हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जो आप चाहें तो आगे व्हाट्सएप पे आपके फार्मर्स को भेजिए ताकि उनको पता चले कि उन्होंने क्या करना है. सो ये हम मदद आप हमारी तरफ से कर सकते हैं. जैसे अशोक सर ने बताया, बहुत सारी फाइनेंस स्कीम्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से और बैंक्स की तरफ से. बैंक की तरफ से फाइनेंस स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो उनको देख सकते हैं. सो थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिए, थोड़ा सा प्लान करना शुरू कीजिए, बिकॉज इस स्पेस की वजह से जो हमारा कैलकुलेशन है वो ये बताता है कि अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट अगर हमने बराबर से डिस्पोज करना शुरू कर दिया तो जो फार्मर है, आप फार्मर की इनकम करीब 10% से बढ़ा सकते हैं सालाना. मेरे हिसाब से इट इज अ सर्विस वर्थ लुकिंग एट. क्योंकि अगर आप फार्मर की इनकम 10,000 रुपए साल की बढ़ा सकते हैं तो क्यों नहीं बढ़ाएं, और क्यों ना उसको एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करें, एक कोशिश करें उसको करने की. क्या मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं. जी जी. जो मिश्रा जी ने अभी आप एक पॉइंट कहा था जो मेरे मन में नहीं आया था लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि बायोमास क्या होता है. मतलब जो भी जानवर नहीं खाते हैं उसको हम यूज करने के लिए एक तरीका निकाल लेते हैं. मतलब उसको फ्यूल के रूप में या ऐसे के रूप में हम उसको कन्वर्ट करके यूज करना चाहते हैं. तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह के बायोमास को हम यूज करें, नंबर वन. नंबर टू, आजकल आपने पूना में एक बड़ा संस्था के बारे में सुना होगा, बायफ. तो बायफ ने एक तरीका ढूंढ निकाला है कि अपना जो कॉटन स्टॉक है, कॉटन स्टॉक को आप सीधा उसको ब्रिकेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके अलावा आप उस कॉटन स्टॉक को आप उसको अपने गाय बकरी के लिए आप उसको फॉडर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसका एक तरीका है, वो तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और बहुत आसानी से वो कर सकते हैं. तो जो हमारी बायोफ्यूल सर्कल करती है वो अपना प्लेटफॉर्म में जो बायोफ्यूल जो बायोमास आता है या जो लोग बायोमास को लेकर के रजिस्टर करते हैं वो कई तरह के उसके उपयोग होते हैं. एक तो फ्यूल के रूप में, एक तो अपना CNG के रूप में जो उन्होंने कहा था. और CNG क्या है वो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए. आप सब लोगों को बायोगैस प्लांट अपने घर में अपने खेती में एक खेत के लिए जो है बना आपने देखा होगा. अब उस तरह का बायोगैस प्लांट जो है वो खाली अपना घर के लिए जो कुकिंग के लिए जो गैस चाहिए वो प्रोड्यूस करता है.
लेकिन जो सीएनजी होता है वो बहुत बड़ा प्लांट होता है, उस बड़े प्लांट के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा पड़ते हैं और उस ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने के लिए तुषार जी ने आपसे ये कहा था कि एफपीसी उसमें बहुत काम में आ सकता है कि अपने फार्मर मेंबर्स से लेकर के उसको कलेक्ट करके उस सीएनजी का जो प्लांट है उस प्लांट में लगा सकते हैं और उसको डिकम्पोज करके वो जो गैस बनता है और उस गैस को बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूज भी है। तो सीएनजी का जो उन्होंने बायोमास के बायोगैस के बारे में कहा था, आप ये मत सोचिए कि घर पे जो हम बड़े छोटे छोटे रूप पैमाने में हम बनाते हैं बायोगैस प्लांट वो नहीं है, वो बड़ा होता है और इसका भी खर्चा भी ज्यादा होता है, लेकिन इस खर्चे से आप डरिएगा नहीं क्योंकि उस खर्चा अगर हमें लेना हो तो उसके लिए बैंक्स हैं जो लोन देने के लिए तैयार हैं, टर्म लोन। और वर्किंग कैपिटल लोन मैंने पहले ही कहा था देने के लिए भी तैयार हैं ताकि आप शेतकारी लोगों को अपना जो बायोमास है वो खरीदने के लिए तुरंत उनको पेमेंट भी कर सकते हैं। अब मेरा एक सुझाव ये होगा कि कोई भी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी इस रंग में अगर आना चाहता है तो पहले एग्रीगेशन करें, कम से कम 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए एग्रीगेशन करके थोड़ा इस रंग का जो प्रॉब्लम्स है वो समझ लें। समझने के बाद ये बड़ा यूनिट मतलब ब्रिकेट मेकिंग यूनिट अगर लगाना हो उसके बारे में सोचें। ऐसा नहीं कि पहले से ही जाके उसमें कूद जाएंगे और फिर पछताने लगेंगे बाद में, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए स्टेज बाय स्टेज जाना शायद ठीक रहेगा। इसके बारे में शायद तुषार जी ने ज्यादा बोला नहीं तो दो शब्द उसके बारे में भी बोलने के लिए अभी रिक्वेस्ट करूंगा। यस तुषार। सो अशोक सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया। सो ये आपके पास में एक कमोडिटी है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है जिसमें से नाउ यू कैन टॉक इन मराठी। नो देयर आर स्टिल सम पीपल हु सो हिंदी इज गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स हिंदी एंड आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम दिल्ली सो यू नो आई हैव बीन मेकिंग दीस डिस्कशंस एंड हैविंग दीस डिस्कशंस इन हिंदी फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज सो आई हैव नॉट लॉस्ट टच। राइट सो ये जो वेस्ट है आपके पास में एग्रीकल्चरल वेस्ट इसका एक वैल्यू है, इसमें इसको बेच के आप पैसा ले सकते हैं। इसको जब फाइनल यूज करते हैं तो उस इस्तेमाल के लिए इसको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है और हर एक स्टेज में इसमें वैल्यू बढ़ता है। सो द अल्टीमेट स्टेज इज जब आप उसको ब्रिकेट में कन्वर्ट कर दें बिकॉज ब्रिकेट जो है आज के तारीख में, सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया जो अशोक सर बताना चाहते हैं, आज एक ब्रिकेट जब बिकता है तो ब्रिकेट करीब 4,500 से 5,000 रुपए पर टन बिकता है। सो आपके आपके गेट से आप मतलब आपके हाथ में 4,500 के आसपास आ सकता है 1 टन ब्रिकेट का। यही 1 टन ब्रिकेट जो है, सो ब्रिकेट क्या होता है, ब्रिकेट बेसिकली जो वेस्ट है उसको कंप्रेस करके बनता है। सो 1 टन ब्रिकेट के लिए आपको 1 टन वेस्ट लगता है, 1 टन से थोड़ा सा ऊपर लगता है। ये 1 टन वेस्ट जो है इसका फार्मर को शायद आज 500 रुपए या 1,000 रुपए मिल रहा है। तो आप सोचिए कि जो चीज फार्मर के खेत से शुरू हो रही है 500 या 1,000 रुपए से, वो इंडस्ट्री खरीद रही है 4,500 रुपए में या 5,000 रुपए। सो इतना गैप है। सो ये जो है ये सारा वैल्यू एड है और यही जो है इन सब में आप एक 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 करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो अगर आपने सबसे पहले एग्रीगेशन कर लिया, सब इकट्ठा सिर्फ करना शुरू कर दिया, तो आप मान के चलिए कि फार्मर की आप इनकम 1,000 से 1,500 रुपए तक आराम से बढ़ा सकते हैं। 1,500 से ऊपर भी जा सकती है इनकम, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कमोडिटी इट इज, बट 1,500 तो आप कम से कम पकड़ के चलिए। अगर आप इसको स्टोर करते हैं तो स्टोर करने में जो ऑफ सीजन है, जैसे बारिश के दिन है या जब अभी फसल कट गई है और अभी वेस्ट अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे एक्चुअली आप इस पे थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। सो 1,500 की जगह में भी 2,000 से 2,500 तक भी आप मटेरियल उस वक्त बेच सकते हैं बिकॉज बारिशों में इसका रेट बढ़ता है। सो वो स्टोर हो गया। तीसरा है ब्रिकेटिंग। अगर आप ब्रिकेट करते हैं तो जैसे मैंने बताया आप 4,500 से 5,000 रुपए में इसको पर टन बेच सकते हैं। सो ये स्टेजेस हैं। सो व्हाट वी वुड सजेस्ट, जो जो हमारी राय है जो अशोक सर बताना चाहते हैं, कि आप सीधा ब्रिकेटिंग का मत सोचिए, आप पहले शुरू करते हैं एग्रीगेशन से। आप सिर्फ इकट्ठा कीजिए और उसको बेचिए।
मे बी उसको फॉर अ शॉर्ट टर्म स्टोर कीजिए, जब आपको बड़े स्टोरेज की जरूरत नहीं होगी आप उसको एक 8 दिन 10 दिन कहीं पर स्टोर कीजिए और फिर बेच दीजिए। सो पहले एग्रीगेशन से शुरू करते हैं, उसका दूसरा स्टेज आप फिर ले सकते हैं अगर आपको कंफर्ट आता है तो, आप एक स्टोरेज के लिए जगह क्रिएट करके सिर्फ उसको स्टोर कीजिए और वहां से बेचिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस बिजनेस में और आपको ये इस बिजनेस के इकोनॉमिक समझ में आने लगेंगे तब आप उसमें ब्रिकेट मशीन डाल सकते हैं। सो एक एक करके लीजिए सीधा सा, क्योंकि आप ब्रिकेट यूनिट डालेंगे तो एक 40-50 लाख रुपए का खर्चा है। सो वहां तक जाने के पहले जो पहले स्टेप्स हैं, एग्रीगेशन में ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ यू नो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपको सिर्फ लेबर और ट्रांसपोर्ट लगाना है। सो वो यू नो दैट इज समथिंग विच यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली और उसमें रिस्क भी कम है। स्टोरेज में थोड़ा सा है बिकॉज आपको जगह वगैरह करना पड़ेगा। सो इस तरह से आप उसको शुरू कर सकते हैं। राइट अशोक सर, इज दैट व्हाट यू वांटेड टू कवर? या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू मेंशन। तो शायद हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन आपको दिए है। अब आपकी तरफ अगर कोई प्रश्न होगा तो आप पूछने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर देंगे, या अगर नहीं उत्तर दे पा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न हो जिसके बारे में अभी तक आपको ठीक तरह से एक जवाब नहीं मिला है तो वो आप पूछिएगा, ताकि हम सब लोग बैठ के आपको उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे। कैन एन इंडिविजुअल फार्मर ऑल्सो अप्लाई? वो अभी किसने पूछा था तुषार? देयर इज वन चैट। यस सर। सो मंजू मैडम इज आस्किंग, कैन एन इंडिविजुअल फार्मर अप्लाई फॉर ब्रिकेट मशीन एंड व्हाट इज द कॉस्ट? यस, सो दिस इज अ कमर्शियल एक्टिविटी, दिस इज लाइक एनी अदर बिजनेस। जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं, सो मान लीजिए आप ट्रैक्टर खरीदते हैं, दिस इज लाइक दैट। सो ब्रिकेट मेकिंग मशीन जो है, ब्रिकेट बनाने का जो प्योर मशीन है सिर्फ, उस मशीन का खर्चा करीब 15-18 लाख का आता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ चीजें करना पड़ती हैं, आपको एडिशनल पावर कनेक्शन लगता है, थोड़ा जगह लगती है, उसको कवर बनाना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है, प्लस वो मशीन चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल भी थोड़ा स्टोर करना पड़ता है। सो बेसिक सिर्फ मशीन का कॉस्ट तो सिर्फ 17-18 लाख का है, लेकिन अगर आप ब्रिकेट मेकिंग प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं और आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको करीब 30-40 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और दूसरा वर्किंग कैपिटल आपको दूसरा एक 3-1 महीना का लगेगा, विच इज अनदर 40-50 लाख रुपया। सो ये प्रोजेक्ट करीब करीब 1 करोड़ तक का होता है ब्रिकेट मेकिंग का। लेकिन अगर इसमें कई चीजें हैं, अगर यू नो आप जैसे FPO हैं और आपने फार्मर्स को अगर इमीडिएटली पेमेंट नहीं करना है, आप अगर फार्मर्स को समझाते हैं कि इस वक्त हम एग्रीकल्चरल वेस्ट इकट्ठा करेंगे और ब्रिकेट बिकने पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो सकता है। सो देर आर मीन्स एंड वेज ऑफ डूइंग इट, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दिस नीड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 30-40 लाख रुपीज एंड इट नीड्स वर्किंग कैपिटल ऑफ अनदर 50 लाख रुपीज। हमने FPC के बारे में कहा था ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर्स स्मॉल होते हैं और उनको ये इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास उतना पैसा नहीं रहेगा, इसीलिए हमने FPC का नाम लिया। लेकिन जैसे आपने तुषार जी ने अभी समझाया आप लोगों को, कोई इंडिविजुअल फार्मर अगर वो लगाना चाहता है, उनके पास उस तरह का एक एबिलिटी है, तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन वो इकट्ठा करने का कुछ संविधान होना चाहिए और इस तरह की चीजें देखना चाहिए, नहीं तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई भी इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। किसी ने ये पूछा था कि चना छिलका जो है उसे लेकर के बायोमास ब्रिकेट बन सकता है कि नहीं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप तुषार? सो डीपी इज हियर, डीपी डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑन दिस? चने के छिलके से भी बन जाता है, बट चने के छिलके पॉपुलरली एनिमल फीड में जाता है। सो सर द प्रिंसिपल हियर इज कि व्हाटएवर इज समबडीज फूड, बी इट ह्यूमन फूड और एनिमल फूड, दैट शुड नॉट बी बर्नड, बिकॉज किसी और के अगर खाने का काम है, सो जैसे कैटल फीड में यूज होता है, सो कैटल फीड को क्यों जलाना है, उसको कैटल के लिए छोड़ दीजिए। सो चना छिलका जो है वो कैटल फीड अगर है तो उसको कैटल फीड की तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसको जलाइए।
एक थोड़ा यू नो फूड वर्सेस फ्यूल एक काफी पुराना एक डिबेट है, बट द जनरल फील इज दैट जो भी फॉडर की तरह से इस्तेमाल हो सकता है उसको जलाइए मत। एक एफपीसी पूछ रहे हैं कि अगर एक ब्रिकेट मेकिंग यूनिट लगाना हो तो वो लोन कहाँ मिल सकता है। तो ब्रिकेट मेकिंग यूनिट अगर लगाना है तो इसमें हमारे एक पार्टनर्स हैं, देयासरा नाम है उनका, फाउंडेशन है ये, परसिस्टेंट सिस्टम्स का प्रमोटेड फाउंडेशन है ये। सो ये फाउंडेशन एक्चुअली यूज ये फाउंडेशन इसी स्पेस में काम करता है कि जिनको खुद का व्यवसाय शुरू करना है, जिनको एंटरप्राइज सेटअप करना है, ये मदद करते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको बैंक तक लेके जा सकते हैं, बैंक की क्वेरीज सॉल्व करके दे सकते हैं। ब्रिकेट मशीन डालना, उसको ऑपरेशनल करना, उसके लिए लेआउट कैसे होना चाहिए, इन सब चीजों में वो आपकी मदद कर सकते हैं। सो मैं आपको सेपरेटली उनकी लिंक शेयर करूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं एंड वो आपको इसमें गाइड करेंगे। सो वो हमने ऑलरेडी, बिकॉज हमको पता था कि ये सवाल आएंगे जब हम एफपीओ से बात करेंगे, तो एफपीओ का ये सवाल होगा कि हमने ब्रिकेटिंग अगर शुरू करना है तो कैसे करेंगे। तो एक एजेंसी है जो इसमें आपकी मदद कर सकती है। आमच्याकडे साधारण फेडरेशनच्या 200 आसपास एफपीओ आहेत आमच्या, आणि वेगवेगळ्या कम्युनिटी वरती काम करतोय आम्ही। तर आपल्याकडे अगदी वेगवेगळ्या प्रकारचं, म्हणजे तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे वेस्टर्न भागामधले काही गोष्टी असेल किंवा विदर्भ मराठवाडा, ते आमचं काम चालू आहे। तर खूप सारं काम करता येईल आपल्याला, परंतु नेमकं फेडरेशनच्या माध्यमातून ते करायचं म्हटलं तर नेमकं काय करावं लागेल आपल्याला? सो आपण केव्हा भेटू शकतो सर? हा सर, आपण केव्हा भेटू शकतो? सर तुम्ही म्यूट वर आहात। सर ऑफिस आमचं कागद आहे, तुम्ही जिथे बसलाय आता तिथे अजून कोणीतरी फोनवर किंवा दुसऱ्या कम्प्युटरवर लॉग इन केलेला आहे का सर? हो सर, हो सर, बंद। त्यांना म्यूट वर कर, त्यांचा स्पीकर म्यूट करता का सर? हा सर, ऑफिस कात्रज आहे आमचं, आपण पुण्यामध्ये कुठेही भेटू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही। ठीक आहे, सो आपण त्याच्यावर डिटेल मध्ये बोलू, कारण या अपॉर्च्युनिटीज आहेत। आता तुम्हाला जे तुमचे 250 एफपीओ आहेत त्यांच्या बरोबर कसं प्लॅन करायचं आहे ते मे बी आपण इंडिव्हिज्युअली बसून बोलूया, सो दॅट, कारण ते थोडं स्पेसिफिक डिस्कशन होणार आहे आपलं, त्याच्यात आपल्याला कमोडिटीज लोकेशन वगैरे डिस्कस करून करावं लागेल। सो तुम्हाला जेव्हा वेळ असेल तेव्हा मी आणि विशाल आम्ही भेटायला येतो तुम्हाला, आणि आपण याच्यावर, या विषयावर पुढे बोलूया। हा सर, कारण आमच्या बरोबर आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जी समोन्नती फायनान्स आहे ते सुद्धा आमच्या बरोबर काम करतय। करेक्ट, मग तो विषय सोपा होईल जरा। ठीक, मग एक काम करता सर, चॅट मध्ये तुमचा नंबर टाकता का, सो विशाल विल कनेक्ट विथ यू आणि वी विल कम अँड मीट यू, आम्ही तुम्हाला येऊन भेटतो या आठवड्यात। येस सर, येस सर। हा, चॅट बॉक्स मध्ये तुमचा नंबर टाका, विशाल प्लीज नोट द नंबर। सो आय वुड लाईक टू थँक ऑल द पार्टिसिपंट्स फॉर देअर व्हॅल्युएबल टाइम अँड देअर क्वेश्चन्स, थँक यू सो मच फॉर कमिंग अँड जॉईनिंग अस, आणि ऍज वी सेड दिस इज गोइंग टू बी अवर यु नो रिपीटेड ऍक्टिव्हिटी, वी विल हॅव मोर ऑफ सच वेबिनार्स, यु नो अशोक सर अँड कपल ऑफ अदर पीपल विल कम अँड वी विल बी डिस्कसिंग यु नो सच टॉपिक्स। This was the first series. Give us your feedback, how you found this is, so that we can make more meaningful presentations to you. Ashok sir, I would also like to place my sincere thanks to you for your effort and your time. Thank you very much. As always, it's always very encouraging and enlightening to speak to you. Generally, I feel very charged up when I talk to you. So I am sure, the rest of the FPOs also have, this feeling that they need to do something and they can do something. सर मी 2 मिनिटं बोलू शकतो का? बोला ना सर, प्लीज बोला। सर आम्ही वेल्ल्यातून तोरणा ऍग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनीकडून बोलतोय। आम्ही आता भातावर काम सुरू केलेलं आहे आणि त्याच्या संदर्भात अजून एक्स्ट्रा काय करू शकतो? तर आम्ही ब्लॅक राईस मध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी आम्ही यावर्षी नवीन काम केलेलं आहे आणि इंद्रायणी तांदुळामध्ये पण बऱ्यापैकी आम्ही शेतकऱ्यांकडून काम करून घेत आहोत। काय करता येईल सर आपल्याला, एक्स्ट्रा काय करता येईल?
ओके सो ऑफ हँड मला एकदम असं सांगता नाही येणार सर. आपण मे बी फोनवर बोलूया किंवा मी जेव्हा श्रीरथ सरांना चोरडे सरांना भेटायला येतो तेव्हा आपण बोलूया. कारण अनलेस वी अंडरस्टँड एक्झॅक्टली पूर्णपणे तयार आहे सर आपल्याकडे. सो भाताच्या तुसाची डिमांड आता यु नो दोन ठिकाणी आहे. एक कंप्रेस बायोगॅस प्रोजेक्ट आहे आणि एक आणखीन कंझ्युमर आहे. सो वी विल ब्रीफ यू अबाउट दॅट आणि वी विल हेल्प यू डिस्पोज दिस. भाताचे स्ट्रॉबी तयार आहेत सर अजून. त्या संदर्भात थोडस मार्गदर्शन. हो सो तेच सांगतो तुम्हाला मी. भाताचा जो स्ट्रॉ आहे त्याचे अनेक उपयोग आहेत. कॅटल फीड म्हणून आहेच आहे. अपार्ट फ्रॉम कॅटल फीड त्याला कंप्रेस बायोगॅस मध्ये त्याची रिक्वायरमेंट आहे. सीबीजी प्लांट्सला लागतो तो आणि इतरही अशा इंडस्ट्रीज आहेत जसं मशरूम प्रोड्युसर्स आहेत त्यांना लागतो भाताचा तूस किंवा ब्रिकेटिंग मध्ये सुद्धा वापरला जातो. सो मल्टिपल यूज आहेत. आपल्याला म्हणूनच पांडुरंग तुमच्याशी बोलतील आपण जरा थोडंसं डिटेल डिस्कशन करूया पण मला आता इतरांचा वेळ त्याच्यात नाही घ्यायचा आहे. सो वी विल टॉक सेपरेटली ऑन दॅट. ओके सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर.